राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। हर कुल के अपने एक देवता हैं, जिनकी वो कुल पूजा करता है, और उन्हीं कुल देवताओं में से एक है खंडोबा। कुछ मान्यताओं के अनुसार खंडोबा भगवान शिव के अवतार हैं, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार वो कार्तिकेय या स्कंद के अवतार है। उनके भक्त किसान, आदिवासी, शिकारी, चरवाहे इन सभी वर्गों से आते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई राज्यों में पूजे जाने वाले खंडोबा को मल्हार, मल्हारी, मल्लान्ना, मैलार या खंडू गौड़ा इन नामों से भी पूजते हैं। उनके इन नामों के पीछे भी एक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मणि और मल्ल नाम के दो दैत्यों ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उन्हें कोई हरा न पाए। इस वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली बन गए और इसी के जोर पर उन्होंने सभी ओर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। परंतु वरदान के कारण उनके इस विनाश कार्य को कोई काबू न कर पाया। उसी दौरान सप्त ऋषि एक पर्वत पर कड़ी तपस्या कर रहे थे, परंतु मणि और मल्ल ने उस तप में भी संकट लाने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। इस दुविधा की घड़ी में मदद पाने के लिए सप्त ऋषि भगवान इंद्र और भगवान विष्णु के पास गए, परंतु इस परिस्थिति में वो दोनों भी उनकी कोई सहायता न कर पाए। तब सप्त ऋषि ने भगवान शंकर के पास जाने का निर्णय किया। भगवान शंकर ने ऋषि की विनती को स्वीकार किया और उन्होंने मार्तंड भैरव का रूप धारण किया। देवताओं की ओर से ये युद्ध लड़कर उन्होंने देवताओं को जीत हासिल करा दी। जब युद्ध का अंत हुआ तब उन दोनों दानवों ने भगवान से इच्छा व्यक्त की। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मणि ने खंडोबा को अपना सफेद रंग का घोड़ा प्रदान किया और ये मांगा कि खंडोबा के हर मंदिर में उनकी एक प्रतिमा होगी। परंतु दूसरी तरफ मल्ल ने उनसे संपूर्ण सृष्टि के विनाश की इच्छा प्रकट की। उनकी इस इच्छा को सुन भगवान क्रोधित हुए और मल्ल का सर धड़ से अलग कर दिया, और मानते हैं कि वो सर आज भी मंदिर में प्रकट है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार खंडोबा सूर्यदेव के निसिम भक्त मार्तंड और भगवान शिव के रौद्र अवतार भैरव का मिश्रित रूप है। इसी कारण उन्हें मार्तंड भैरव भी कहा गया है। नलदुर्ग उस्मानाबाद, मंगसुली बेलगांव, पाली सातारा इत्यादि इन कुछ गांवों में खंडोबा के मुख्य मंदिर है, और इन सभी मंदिरों में महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जेजुरी शहर में स्थित खंडोबा मंदिर मल्हारी के दर्शन पाने के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। कहते हैं कि भगवान खंडोबा के दो विवाह हुए। उनकी पहली पत्नी का नाम है मालसा देवी, जिन्हें माँ पार्वती का रूप माना जाता है, और उनकी दूसरी पत्नी का नाम है बाणाई, जिन्हें माँ गंगा का रूप मानते हैं। और जेजुरी के इस मंदिर का ऊपरी भाग मालसा देवी को समर्पित है और निचला बाणाई को। जेजुरी के इस मंदिर को श्रद्धालु हर साल हजारों की संख्या में भेंट देते हैं, और खासकर माघ महीने में, क्योंकि माघ महीने में खंडोबा को समर्पित एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का कारण है खंडोबा का मणि और मल्ल पर प्राप्त किया गया विजय। ये उत्सव 6 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा के दिन खंडोबा के घटस्थापना से होती है। इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दौरान भक्त खंडोबा को पूरणपोड़ी, बैंगन का भरता, रोड़गा, प्याज पत्ता भोग में चढ़ाते हैं। इस दौरान खंडोबा को मुख्य तौर पर हल्दी समर्पित की जाती है। उत्सव काल में खंडोबा का मंदिर रोशनाई से चमक उठता है, और तो और
यहाँ कई धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस उत्सव का आनंद कई श्रद्धालु उठाते हैं, जिसके साथ वो आयोजित किए गए महाप्रसाद का भी लाभ लेते हैं। इस दौरान खंडोबा और देवी भाणसा की प्रतिमा को पालकी में रखकर गढ़कोट मंदिर से लेकर करहा नदी तक यात्रा निकाली जाती है। इन 6 दिनों में कुछ श्रद्धालु उपवास भी करते हैं और उसे 7वें दिन तोड़ते हैं। इसे चंपा षष्ठी के पर्णे भी कहा जाता है। और इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है इसका आखिरी दिन, जिसे चंपा षष्ठी कहते हैं। इस दिन रीति पूर्वक भगवान की पूजा तथा अभिषेक कर स्थापित किए घटों को उठाया जाता है।